खबर है दिल्ली उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ जहां भूमाफियों पर शिकंजा कसने के लिए कवायद कर रही है, वहीं भूमाफियों पर लगातार बुलडोजर चलाकर कार्रवाई भी की जा रही है। उसके बावजूद भी भूमाफियों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला नशीराबाद थाना क्षेत्र के कपूरपुर गांव से देखने को मिला है, जहां पर भूमाफियों ने कई वर्षों से बनी दीवार को गिरा दिया गया। पीड़ित ने बताया कि दीवार गिराने में स्थानीय पुलिस प्रशासन की भूमिका सदिगंध नजर आ रही है। बताते चले कि कपूरपुर निवासियों ने बताया कि प्रणय रंजिश को लेकर दोनों पक्ष में विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि देखते देखते हाथापाई तक बात चली गई। पीड़ित ने मीडिया से जानकारी देते हुए बताया कि भूमाफियों ने कई वर्षों से बनी 5 फुट ऊंची दीवार को गिरा दी। क्या नाम है आपका और कहाँ आए हैं? हम आए हैं यहाँ थाने पे आए हैं और हमारा नाम ओम प्रकाश है और गांव हमारा कपूरपुर है। थोड़ा हमारा विवादी जमीन घर का था, जिसमें हमारा पड़ोसी था, वो दीवार हमारा तोड़ के राजपति जियालाल संगीता आशा बहू है। कौन आशा बहू है? संगीता संगीता आशा बहू। तो क्या हुआ था मैटर, कैसे क्या हुआ है जी? हम का क्या नाम है आपका और कहाँ आई है? हमारा नाम राजकुमारी है, हमारे गांव का नाम कपूरपुर है। हम नसीराबाद थाने आई थी। क्या मैटर है आपका? मैंने अपनी जगह पर दीवार उठाई थी और वही लगते कहा थी आज सुबह जियालाल के घर पूरा मिल के हमारा दीवार गिरवा दिया। और का संगीता आशा बहू है, तो राजपति है, उनकी बहू है, एक बहू और है। क्या इससे पहले भी तुम्हारा उनका कोई विवाद था? नहीं, कोई बात नहीं, यही रत्ता के बड़े जो ना भय रही। फिर वो शाम वो एकदम शांति हो गया रही, को ना दीवार हम उठवा लेन, पुलिस गए रही, पुलिस के सामने दीवार उठवाई गए है, गाँव जे पर से कई पर दीवार उठवाई गए है। गाँव के लोगों को क्या कहना है? गाँव के लोगों कह रहे हैं कि सही सर गलत कर रहे हैं। कौन लोग गलत कर रहे हैं? गलत वही जियालाल की पूरे पार्टी गलत कर रहे हैं।